हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। सो, आप सभी को पता है कि आज क्या था। आज 12 तारीख को 9th एंड 11th का क्या जो है फाइनल एग्ज़ाम शुरू होना था एंड 12th एंड 10th वालों का प्री बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाला था। तो ओपन बुक, जैसे कि हमें पता है कि ओपन बुक हो चुका है, तो हमें क्या करना है, कॉपियाँ घर लेकर आना है एंड देन कॉपी में लिख कर स्कूल में जो भी डेट बताते हैं उस डेट को जाकर वो सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे पहला पेपर है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 जनरल इंग्लिश 10th का पेपर है जो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वाले वीडियो में मैं क्वेश्चन आपको बताऊँगी एंड क्वेश्चन ये पेपर है, ठीक है, ये पूरा पेपर है। तो इस वाले वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगी एंड क्वेश्चन के बाद उनके आंसर बताऊंगी। तो यदि आपको मैं इस क्वेश्चन में लाइन इस वीडियो में लाइन बाय लाइन नहीं समझा रही हूँ आपको, ठीक है, एक एक पैसेज आपको लाइन बाय लाइन नहीं समझा रही हूँ, मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ एंड देन उसके बाद उसका आंसर बता रही हूँ, ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी आपको क्वेश्चन बता रही हूँ एंड देन उसके आंसर बता रही हूँ। यदि आपको लाइन बाय लाइन हर चीज़ को समझना है, जैसे पैसेज का मीनिंग समझना है अच्छे से, आपको फिल इन द ब्लैंक समझना है कि इस फिल इन द ब्लैंक में हमने यहाँ पर ये भरा है या ये भरा है तो क्यों भरा है, इस तरह से यदि आपको समझना है अच्छे से, तो आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। यदि एक भी कमेंट आता है तो फिर मैं आपको पूरा जो है क्वेश्चन पेपर अंग्रेजी का वो आपको लाइन बाय लाइन अच्छे से समझाती हूँ मेन एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये पूरा पेपर मेन एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो यदि आप चाहोगे तो फिर मैं समझाऊंगी, अदरवाइज़ अभी तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ और क्वेश्चन के साथ आंसर बता रही हूँ। तो पहला वाला जो है सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हमें पैसेज दिया हुआ है, पैसेज में 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन 5 क्वेश्चन के हमें क्या करना है, आंसर्स देना है। तो ये 5 क्वेश्चन है एंड देन ये 5 क्वेश्चन के क्या है यहाँ पे आंसर्स है, ठीक है। ये क्या है, 5 क्वेश्चन के यहाँ पे क्या दिए हुए आंसर्स दिए हुए। तो पहला आंसर, पीपल कॉल सरदार पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया। सेकंड है, सरदार पटेल हैड द स्किल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अफेयर्स। थर्ड वाला है, शी वॉज काइंड, नॉट शी, एक्चुअली इज ही, सॉरी, तो ही वॉज काइंड एंड कंसिडरेट फॉर द पीपल हु वर इन द क्लोज कॉन्टैक्ट विद हिम। एंड डी वाला है एडमिनिस्ट्रेशन एंड ई वाला है फॉर्चून। तो ई वाला हमारा क्वेश्चन था कि हमें कोई ऐसा वर्ड ढूंढना है पैसेज से जिसका मीन होता हो लक, ठीक है। तो हमें जो क्या मिला है, फॉर्चून। फॉर्चून मतलब होता है भाग्य, लक मतलब होता है किस्मत, तो ठीक है, सारी चीज़ें एक ही। सो सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है, रीड द पोयम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या है, पोयम दी हुई है, हमें इसे पढ़ना है एंड पढ़ने के बाद क्या करना है, आंसर देना है। तो यहाँ पे देखिए, ए बी सी डी ई, यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं एंड 5 क्वेश्चन के ये 5 क्वेश्चन हैं एंड इन 5 के ये क्या है, 5 आंसर मैंने यहाँ पे आपको दे दिए, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा आपको कि ये देखिए, यहाँ पे ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई, यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और यहाँ से जो है हमारा आंसर शुरू होता है। तो ये ए का आंसर, ये बी का आंसर, सी का आंसर, डी का आंसर, ई का आंसर, सारे आपको आंसर यहाँ पे दे दिए गए। तो आप वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आंसर का, या तो फिर यदि आप कहते हो तो फिर मैं ये पूरी पीडीएफ जो है आपको कमेंट में पिन कर दूंगी, तो आप वहाँ से पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं पेपर का, क्वेश्चन पेपर विद आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड वाला भी पैसेज दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए थर्ड पैसेज में भी 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं 5 नंबर के और उन 5 के यहाँ पे ये जो है हमारे आंसर्स यहाँ हैं, ठीक है। तो पहला वाला आंसर, द पिलर वॉज प्राइमरली इंटेंडेड टू कमेमोरेट द ग्रेट वेल with 24 spikes. P है the four animal covered in the relief in the abacus of the wheel were the elephant, horse, bull and lion. The national emblem is a symbol of peace and goodwill to the world. D है 24, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था तो थर्ड वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट है। एंड ई का आंसर है ग्रेटनेस, जहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ था कि वॉट इज़ द नाउन फॉर्म, ठीक है, फॉर ग्रेट, तो ग्रेट का नाउन फॉर्म क्या है हमें ये बताना था, तो नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा ग्रेट का, ग्रेटनेस, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन बी शुरू होता है, सेक्शन बी में देखिए 3 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 5th एंड क्वेश्चन नंबर 6th, ठीक है। तो पहला तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमें दिया रहेगा एक एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के ओर में क्या दिया रहेगा, एप्लीकेशन के ओर में हमें क्या दिया रहेगा, एक सेकेंड, एप्लीकेशन के ओर में हमें क्या दिया रहेगा, लेटर दिया रहेगा, ठीक है। यदि आपको एप्लीकेशन सही लगता है तो आपको एप्लीकेशन लिखना है और आपको लेटर सही लगता है तो आपको लेटर लिखना है। यहाँ पे बुक बैंक का दे दिया है, जनरली जो देते हैं वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वाला दे देते हैं या फिर सिक लीव वाला दे देते हैं, ठीक है। तो मेरे एग्ज़ाम में मुझे लगता है कि या तो
सिक लीव देंगे या तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देंगे, बट अभी बुक बैंक दे दिया है तो ठीक है। बुक बैंक वाला यदि आपको याद है तो आप लिख लो, आपको मिल जाएगा आसानी से। अदरवाइज़ यहाँ उससे ज़्यादा जो ईजी बन पड़ता है वो पड़ता है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, जो और में दिया हुआ है, इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और क्वेश्चन नंबर 5th क्या दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड डू एज डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन। तो आपको क्या करना है, पूरा पैसेज है केयरफुली पढ़ना है, और फिर आपको यहाँ पे ए में करना है नोट मेकिंग बनाना है, एंड देन क्या करना है समरी लिखना है और सुटेबल टाइटल भी देना है। तो टाइटल आपको क्या करना है ऊपर लिखना है, ये क्वेश्चन नंबर 5th आपको मर्जी से करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, ऐसे दिया हुआ है, ऐसे में हमको पता है एक साइंस रिलेटेड ऐसे हमको मिल जाता है। यहाँ पे देखिए साइंस रिलेटेड ऐसे हमें कहाँ मिला है, ये हमें क्या मिल गया, साइंस रिलेटेड ऐसे हमें यहाँ पे मिल गया है। तो यहाँ पे देखिए ये आंसर्स दिए हुए हैं सॉरी, पहला है इन्विटेशन टू अटेंड बर्थडे पार्टी, ठीक है। बर्थडे पार्टी के लिए हमने क्या है इन्विटेशन देना है, ठीक है, आमंत्रण देना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो इन्विटेशन दिया है वो ब्रदर के बर्थडे पार्टी के लिए दिया हुआ है। तो ये तो हुआ, ये कुछ बच्चे क्या करेंगे, प्रश्न बैंक से जैसा है वैसा का वैसा छाप देंगे, लेकिन क्या होता है कॉपी करने के लिए भी थोड़ा दिमाग होना पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको सोचना है भाई कि यहाँ पर हमें पूछा है कि आपको आपके बर्थडे पार्टी का इन्विटेशन लेटर लिखना है आपके दोस्त को, ना कि आपके भाई के बर्थडे पार्टी का, ठीक है। तो यहाँ पे आपके भाई के बर्थडे पार्टी का, तो यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। ये चेंजेस आपको यहाँ पे करके मैंने आपको दिया है, कलर चेंज करके बताया है ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए कि उसका ये चेंज यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4th जो और वाला है उसका, 54 सेक्टर 2D विजयनगर इंदौर, 15th मार्च 2021। इसकी जगह हमें क्या करना है 12th अप्रैल 2021, क्योंकि 12 अप्रैल 2021 को हमें पेपर दिया गया, ठीक है। डियर दीपक, ठीक है, तो यहाँ पे आप आपका दोस्त का नाम दीपक लिखना है, दीपक लिखिए, या कुछ और लिखना चाहते हैं तो कुछ और भी लिख सकते हैं, ओके। उसके बाद यह हुआ है आई एम फाइन हियर एंड होप सेम फॉर यू, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू टू माय बर्थडे पार्टी। यहाँ पे ब्रदर्स हमें कट कर देना है, क्या करना है टू माय बर्थडे पार्टी ही इज़, यही इज़ को कट करना है और वहाँ पे लिखना है आई एम सेलिब्रेटिंग ही, इसकी जगह क्या करना है माय करना है, क्या करना है माय करना है। आप लोगों को थोड़ा मैं और धीरे से समझा देती हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो जाए। देखिए यहाँ पे ये जो हीज़ है इसे कट किया है, इसकी जगह में क्या करना है आई एम करना है, ये वाला हीज़ कट किया है, इसकी जगह करना है माय, ये 20th मार्च कट किया है और इसकी जगह क्या लिखना है 20th मई, ठीक है। अब समझिए, ही इसकी जगह आई एम सेलिब्रेटिंग माय बर्थडे ऑन 20th मई, आई हैव इनवाइटेड ऑल अवर फ्रेंड्स, वी विल हैव ग्रेट फन, कन्वे माय रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, योर लविंग फ्रेंड रोहित। रोहित की जगह आप आपका नाम लिख सकते हैं, या फिर मेन एग्जाम में आपको क्या करना है नाम नहीं लिखना है, XYZ ABCD आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 हमको क्या देना है, 7 नंबर का आता है, देखिए इसलिए हमें 7 पॉइंट, कम से कम 7 पॉइंट तो लिखना है। तो पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन, सेकंड पॉइंट है साइंटिफिक इन्वेंशन, थर्ड पॉइंट है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, फोर्थ पॉइंट है मेडिसिन एंड सर्जरी, उसके बाद 5th पॉइंट है कंप्यूटर, 6th पॉइंट है डिसएडवांटेजेस, 7th पॉइंट है लास्ट कंक्लूजन, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन सी जो होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और जहाँ बच्चों को क्या होता है कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक भरना है, देखिए एनी 5 करना है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, यहाँ पे बी वाले पार्ट में भी क्या दिया हुआ है कितने दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, यहाँ पे करना है एनी 5, ठीक है। ये मैंने आपको आंसर सारे दे दिए, आपको जो भी सूटेबल लगता है 5 उसके आंसर आपको देख लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आंसर, पहले का है टुक, सेकंड का है बार्किंग, थर्ड का है टू रिटर्न, फोर्थ का है वाइल, 5th का है और, एंड 6th का है कैन। बी पार्ट में जो आंसर है उसमें पहले का है वेंट, दूसरे का है राइजेस, थर्ड का है प्लेइंग, 4th का है एन, 5th का है बट, एंड 6th का है मस्ट, ठीक है, 6th का है मस्ट, एंड लास्ट का है सिंस। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे सिंस, जैसे लास्ट वाले दिन में देखो आपको एग्जांपल के लिए तौर पे बताओ कि ही हैज़ बीन स्लीपिंग डैश इवनिंग, तो यहाँ पे 4 आएगा या सिंस आएगा, तो मैंने आपको आंसर दे दिया है सिंस आएगा। यदि आपके दिमाग में आता है कि भाई सिंस क्यों आएगा, 4 क्यों नहीं आएगा, तो जैसे जब भी फिक्स टाइम होता है तो फिक्स टाइम के आगे हम क्या यूज़ करते हैं सिंस यूज़ करते हो, जब भी फिक्स टाइम नहीं दिया होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं 4, तो इवनिंग मॉर्निंग नाइट ये सारा सब कुछ क्या में आ जाता है फिक्स टाइम में आ जाता है, ठीक है। तो यदि आपको ऐसा समझना है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं आपको समझा दूँगी, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं आपको आंसर बता रही हूँ। 8 वाला है डू एज डायरेक्टेड, जैसा कहा जा रहा है वैसे हमें करना है, तो पहला हमें नेगेटिव बनाना है इस तरह से हमें यहाँ पे और करना है। तो यहाँ पे देखिए एनी 5 करना है, ठीक है, यहाँ पे 7 थे, मैंने 7 आपको आंसर दे दिया है, यहाँ पे एनी 5 आपको जो भी सूटेबल लगता है आप अकॉर्डिंग देख लीजिए।
तो पहला है शी डिड नॉट डू हर ड्यूटी, सेकंड वाला है द स्टूडेंट इज सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस, थर्ड वाला है सी हैज संग अ सॉन्ग, उसके बाद फोर्थ वाला है ही टुक टी, फिफ्थ वाला है वेयर डज मिस्टर प्रसाद लिव, क्वेश्चन बनाना था वेयर के साथ, ठीक है, तो वेयर डज मिस्टर प्रसाद लिव, उसके बाद है अनलेस ही टेक टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन, देखिए या तो वो टैक्सी ले ले या तो वो ट्रेन मिस कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे इफ़ दिया हुआ था, इफ़ को हटा के आपको अनलेस लगाना था, ओके, यहाँ पे क्या करना है हमें, माई फ्रेंड विल हेल्प यू बिकॉज ही इज़ वेरी काइंड, तो मेरा दोस्त जो है आपकी मदद करेगा क्योंकि वो बहुत दयालु है, ओके, तो यहाँ पे क्या करना था हमें बिकॉज लगाकर दोनों दो सेंटेंस से उनको कंबाइन करना था, तो इस तरह से यहाँ पे एनी फाइव आपको करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दिया हुआ है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यहाँ पे भी एनी फाइव करना है, 7 दिया हुआ है, मैंने 7 आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिया, आपको जो भी 5 सूटेबल लगता है आप लोग देख लीजिए, तो देखिए पहले क्या है ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, सेकेंड है आई कैन स्पीक इंग्लिश, थर्ड है कैन यू स्विम, फोर्थ वाला है देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, फिफ्थ वाला है राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, सिक्स्थ वाला है ऑनेस्टी इज़ दी बेस्ट पॉलिसी, सेवन्थ वाला है इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे सेक्शन डी शुरू होता है, सेक्शन डी बोले तो क्या होता है हमारे जो बुक का है, ठीक है, जो यहाँ से हमारा शुरू होता है वो बुक का पोर्शन शुरू होता है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग देखे हैं रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, तो ध्यानपूर्वक आपको क्या करना है पैसेज को पढ़ना है बुक से दिया हुआ है और फिर यहाँ पे क्वेश्चन जो दिए हुए हैं उनका आंसर देना है, तो देखिए यहाँ पे कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, तो इन चारों के यहाँ पे क्या है आंसर दिया हुआ है, तो पहला वाला आंसर दिया हुआ है डोंट मूव फ्रॉम हियर, सेकेंड वाला है सैल्यूटेशन टू द नेशन, उसके बाद थर्ड वाला है सन, फोर्थ वाला है दिस सेक्रीफाइड देयर लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ देयर नेशन, पांचवा जो है ई वाला है द मिल्कमैन गेव द न्यूज़ दैट द एग्जीक्यूशन वाज ओवर, एफ वाला है फॉल्स एंड जी वाला है सरदार किशन सिंह, ठीक है, तो देखिए लास्ट वाला हम देख ले जी वाला क्या क्वेश्चन पूछा गया था, तो जी वाला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है बट आपके पास पेपर होगा तो उसमें आपको प्रॉपर दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन डी दिख रहे, बाकी यहाँ 5 के आंसर दिए हुए, यदि आपको पेपर में दिया हुआ है पेपर में 4 क्वेश्चन दिए हुए तो 4 का आप आंसर लिख दो, बाकी आपको फर्दर एग्जाम में यदि आगे आता है तो ये आगे के कुछ क्वेश्चन इस तरह से रहेंगे उसके भी आंसर यहाँ पे दिए गए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फिर से हमें क्या दिया हुआ है पैसेज दिया हुआ है, पैसेज के हमें पढ़ना है आंसर देना है, जैसे कि यहाँ पे देखें तो पहला वाला क्वेश्चन हमें दिया है द राइटर ऑफ द लेसन, तो लेसन जो भी है, ठीक है, आपने बुक में पढ़ा होगा तो जो लेसन है उसके राइटर कौन है, इनके लेखक कौन है या लेखिका कौन है, हमें ये बताना है, तो पहला हमें देखो ऑप्शन दिया हुआ है सुधा मूर्ति जी है या फिर सेकंड डब्ल्यू एम रिबन है या फिर मीनाक्षी जी जैन है, तो देखिए हमारा आंसर क्या है सुधा मूर्ति जी जो है यहाँ पे लेखिका है, सेकंड क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ द वर्ड आम, आम का मीनिंग क्या होता है, आम का मीनिंग क्या होता है जनरली दीक्षा देना, ठीक है, तो दीक्षा या भिक्षा हम जो बोलते हैं दीक्षा जो देते हैं उन्हें क्या उसको क्या कहते हैं हम आम, ठीक है, तो यहाँ पे मीनिंग क्या होगा यहाँ पे तो चैरिटेबल डोनेशन राइस डिवोशनल सॉन्ग, तो डिवोशनल सॉन्ग तो होने से रहा है ना, राइस चावल भी होने से रहा, तो यहाँ पे क्या होगा चैरिटेबल डोनेशन, ठीक है, तो हमारा आंसर चैरिटेबल डोनेशन सी वाला है द ओनली हेल्प टू द नीडी पीपल वॉज इन द फॉर्म ऑफ, तो जो नीडी पीपल जो ज़रूरतमंद लोग होते थे उनकी मदद कैसे करते थे, ठीक है, कैसे करते थे तो यहाँ पे देखिए कैश क्लोथ या राइस, तो हमें पता है हमें आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो लेखिका हैं उन्होंने बताया था कि उनकी जो फैमिली है वो किस तरह से हेल्प करती थी, जो लोगों को ज़रूरत होता था वो उनके पास चावल के भंडार थे तो वो चावल के भंडार में से राइस निकाल के लोगों को बांटते थे, फोर्थ वाला क्वेश्चन है व्हाट डिड पीपल डू आफ्टर रिसीविंग हेल्प, तो जब वो मदद पा लेते थे तो लोग क्या रिएक्शन देते थे हमें ये बताना है, तो पीपल डू रिसीव द राइस स्माइल एंड रेजेस देयर हैंड टू ब्लेस द राइटर्स फैमिली, तो वो क्या करते थे जो हमारी राइटर्स की फैमिली है लेखिका की फैमिली है स्माइल करते थे और हाथ उठाकर उन्हें क्या करते थे आशीर्वाद देते थे, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 तक आपको दिया हुआ है, फिर आगे जो भी जैसा भी रिस्पांस रहेगा इस वीडियो पर उस तरह से यदि आप चाहोगे तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनका भी सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा, तो यदि और हाँ बता दें आपको कि इस वाले वीडियो के बाद जो मैथ्स का पेपर आने वाला है तो मैथ्स के पेपर का भी आपको पूरा सॉल्यूशन और क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन आपको मिलेगा, तो आप लोग को यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड लाइक करिए एंड नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो डले सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, तो पहले आपको सब्सक्राइब करना है
और फिर जैसे ही वीडियो डलेगा, यदि आप ऑल पे सेट कर देंगे नोटिफिकेशन को, तो मैथ्स का जैसे ही सॉल्यूशन का वीडियो डलेगा मैथ्स के पेपर का, तो आपको जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच अगेन। पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।